अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं समीर, आप देखने से मैं बेग ऑफिशियल। यार बार बार एक दिन में बार बार इंट्रो देना अच्छा नहीं लगता। मैं एक दिन में दो तीन वीडियोस तो एटलीस्ट बना लेता हूँ, तो बस आदत हो गया अब इंट्रो देने की। लेकिन इंट्रो भी चेंज करना, मज़ा नहीं आता इस इंट्रो में। सीधा चलते हैं रिएक्शन की तरफ। तो दिस इज़ द सॉन्ग बाय एल्बम और ईपी कह सकते हैं, कैद बाय नबील अकबर मलिक। ब्रो पहले इस ईपी से पहले वो एक अंडररेटेड आर्टिस्ट था, इस ईपी से पहले ब्रो। लेकिन इस ईपी के बाद उसकी लिखाई मैंने, दो गाने मैंने नहीं सुने, एक कौन मैं और एक इसके बाद जो फिफ्थ ट्रैक था कैद। तीन ट्रैक मैंने पहले सुने हैं तो उन पर रिएक्शन नहीं दे सकता क्योंकि रिएक्शन वैसा होता नहीं है। ये भी मैंने इसका थोड़ा बहुत टीजर वगैरह मतलब जैसे देखा था वो मैंने देखा है, बाकी फिर मैंने कहा नहीं यार रिएक्शन देना। देखते हैं इस ट्रैक में क्या ऐसा। प्रोडक्शन बाय वन एंड ओनली जोखे, उमेर खान ए के जोखे सर सल्यूट। मतलब उनको कोई मतलब कहा नहीं जा सकता कि उनका मैं बताऊं यहाँ पे। ऑलमोस्ट जो रिएक्शन देख रहे हैं उनको पता होगा कि वो कौन है, यंगस्टर्स। बस यार वो आप सर्च कर लें बेशक, अगर आपको जानना है आपको पता चल जाएगा कि बंदे की प्रोडक्शन क्या है। तो सीधा चलते हैं रिएक्शन की तरफ, देखते हैं इस गाने में ऐसा क्या है। कीबोर्ड वर्किंग चेक करो जो कि मेलोडीज कैसी हैं यार। बहाया लहू और पसीना सीखा मेहनत करके जीना, बेवजह में सबकी तरह करता शोर नहीं, मेरे हक का मैं छीना चलता चौड़ा करके सीना, कोई क्या सोचे इस पे जरा करता गौर नहीं। शुरू से हाया लहू और पसीना सीखा मेहनत करके जीना, बेवजह में सबकी तरह करता शोर नहीं, मेरे हक। सही बात बोली है ब्रो कि मेहनत करना बिला वजह शोर क्यों करता है कि मैंने ये, मेरे पास ये है। मेहनत करके कर तो पता लगे। मैं छीना चलता चौड़ा करके सीना, कोई क्या सोचे इस पे जरा करता गौर नहीं, परसों से था अंधेरा जब दिख रहा सवेरा, तो आंखों में मेरे चुभ रही है रोशनी, मैं गुरु और तू चेला सबक सीख। क्या बार्स थी यार, क्या बार्स थी, हैवी हैवी। दिख रहा सवेरा तो आंखों में मेरे चुभ रही है रोशनी, करता गौर नहीं। मैंने नबील अकबर के बाकी सॉन्ग सुने हैं तो जिससे साफ पता ये चलता है कि बंदे का बहुत बहुत ज्यादा डार्क डार्क पास्ट था जिससे वो निकल के आया। पोस्टर देखो, गले में ऐसे चेन और फुल यहाँ तक। इस पे जरा करता गौर नहीं, परसों से था अंधेरा जब दिख रहा सवेरा, तो आंखों में मेरे चुभ रही है रोशनी, मैं गुरु और तू चेला सबक सीख ले, ये पहला मौका मिले तो तू कभी उसको छोड़ नहीं। हमें गायब था, मैं फंसा हुआ था लांजो में, करती देखी गर्दने खुद अपनी आंखों से, तू करे जिसको एडमायर मेरे आके एक्सपायर, भागे चप्पल छोड़ के जब खोले मैंने स्ट्रेट फायर, अब ये कल के बच्चे पूछे के हूँ कौन मैं बेटे गॉडफादर डॉन कॉर्लियोन में। रेफरेंस ब्रो अगेन, क्या रेफरेंस मारा है यार, डॉन कॉर्लियोन। आप में से कुछ को नहीं पता, आप सर्च करें आपको पता लग जाएगा। मैं वहां से सुनूंगा रोशनी वाली बार्स, बहुत हैवी बार्स थी। पहला मौका मिले तो तू कभी उसको छोड़ नहीं, हमें गायब था, मैं फंसा हुआ था लांजो में, करती देखी गर्दने खुद अपनी आंखों से, आई टोल्ड यू डैट ही हैज अ डार्क पास्ट, बता रहा है वो। तू करे जिसको एडमायर मेरे आके एक्सपायर, भागे चप्पल छोड़ के जब खोले मैंने स्ट्रेट फायर, अब ये कल के बच्चे पूछे के हूँ कौन मैं बेटे गॉडफादर डॉन कॉर्लियोन में, मैं वो हूँ जिससे सारे हिल जाते एक फोन पे, मैं वो हूँ जिसके नाम से खाते हैं खौफ, ये इन्हें लगा मैं नहीं आऊंगा पर आ गया मैं, जैसे कितने रैपर नाश्ते में खा गया मैं, इन्हें लगा मैं सब भूल गया हो गया अनफिट, तभी तेरे जैसे चार कर दूं चारों खाली चिप्स, चल कौन मैं तेरी मौत हूँ, मैं तेरे दिल में छुपा हुआ जो वो खौफ हूँ, पूछ साले कौन मैं तेरा शौक हूँ, मैं सही मायनों में असल हिप हॉप हूँ, पूछ साले कौन मैं असल हिप हॉप, दिस इज कॉल्ड ब्रो। लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, मैं जिस जगह हूँ ना, मैं ज़्यादातर मैं इस सॉन्ग, इन हिप हॉप सॉन्ग्स को प्रेफर करता हूँ। वो कहते हैं क्या सुन रहे हैं ये, क्या बोलते रहते हैं क्या, लेकिन जिसको पता है दिस द रियलेस्ट शिट ब्रो,
अगर किसी को मतलब वो कहते हैं ये क्या, मुझे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहते हैं हमें पसंद है, हमें रैप पसंद है, उनके सामने क्या बकवास है यार। ये जिनको पता है उनको पता है, मुझे इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे पसंद है, मेरे लिए एटलीस्ट ये बहुत है कि मैं एटलीस्ट खुद इसको समझता हूँ, मैं करता हूँ। तेरी मौत हूँ मैं, तेरे दिल में छुपा हुआ जो वो खौफ हूँ, पूछ साले कौन मैं तेरा शौक हूँ, मैं सही मायनों में असल हिप हॉप हूँ। या तो कर ले तू शिकार या बन जा फिर किसी का खुद, तू भाग पीछे नोट के करेगी तेरा पीछा खुद, आसमां के देख मेरी बात का नतीजा। भाग नोट के वो तेरा पीछा खुद करेगी। नोट पैसे के पीछे भागना, उसने सही बात बोली है। असल हिप हॉप हूँ, या तो कर ले तू शिकार या बन जा फिर किसी का खुद, तू भाग पीछे नोट के करेगी तेरा पीछा खुद, आसमां के देख मेरी बात का नतीजा खुद। सिखाया नहीं किसी ने, मैंने धक्के खा किसी का खुद, सोचने का वक्त नहीं, लिविंग इन अ फास्ट लेन, जिंदगी ये दर्द। सोचने का वक्त नहीं, लिविंग इन अ फास्ट लेन। क्या बात है। नहीं किसी ने, मैंने धक्के खा किसी का खुद, सोचने का वक्त नहीं, लिविंग इन अ फास्ट लेन, जिंदगी ये दर्द भरी, फील्स लाइक अ मैक्स पेन, दूसरा कोई। रेफरेंस रेफरेंस इसमें भी रेफरेंस, इस डार्क सॉन्ग में भी रेफरेंस। It's like a Max Payne, दूसरा कोई रास्ता नहीं, trapped in this rap game, and I can't change, this is what I do, इतना दूर रह चुका तो मेरा वापस जाए क्यों, अगर छोड़ कर ही जाना तो फिर इधर आए क्यों। ब्रो वो जिंदगी के फैक्ट्स बता रहा है कि अगर तू जित मतलब वो हर किसी काम की, सिर्फ रैप गेम की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है अगर जिस काम में तूने मेहनत की और उस तक तू पहुंचने वाला, तो उधर से वापस जा रहा है, तो उधर का रास्ता तूने चुना ही क्यों। पर लड़ने को तैयार मैं नहीं, तेरी तरह बंदा अदाकार मैं, मुझमें अभी जान बाकी, माना वक्त हो गया काफी, पर चलाना भूला नहीं हथियार मैं, उतरे धुआं गला चीरते हुए सीने में, मचे जलन पर हम आदि ऐसे जीने के, हर वक्त रहते नशे में, क्यों एक ही जगह फंसे हुए, क्यों लगे जैसे हार गए हम खेल सारे जीते हुए, क्यों लगे जैसे हार गए हम खेल सारे जीते हुए। पूछ साले कौन मैं तेरी मौत हूँ, मैं तेरे दिल में छुपा हुआ जो वो खौफ हूँ, पूछ साले कौन मैं तेरा शौक हूँ, मैं सही मायनों में असल हिप हॉप हूँ, पूछ साले कौन मैं तेरी मौत हूँ, मैं तेरे दिल में छुपा हुआ जो वो खौफ हूँ, पूछ साले कौन मैं तेरा शौक हूँ, मैं सही मायनों में असल हिप हॉप हूँ। लड़के अपने सॉलिड सीधा खोल देते खोपड़ी, मेरे पीछे बावली संभाल अपनी छोकरी, बचपन में ही देख। किसको कह रहा है ये? कौन मैं तेरी मौत हूँ, मैं तेरे दिल में छुपा हुआ जो वो खौफ हूँ, पूछ साले कौन मैं तेरा शौक हूँ, मैं सही मायनों में असल हिप हॉप हूँ। लड़के अपने सॉलिड सीधा खोल देते खोपड़ी, मेरे पीछे बावली संभाल अपनी छोकरी, बचपन में ही देख चुका दुनिया में दोगली, भेड़ियों के बीच में पला बड़ा मैं मोगली, ना मिला तू दूसरा। भेड़ियों के बीच में पला बड़ा मैं मोगली। मोगली अगर किसी ने वो मूवी देखी है मोगली वाली, तो वही रेफरेंस। से मेरे कोई जोड़ का नहीं, सारे करते ड्रामे सारे करते खाली, तोड़ पानी दिल में लालच रखे, सच्चा काम कैसे करेगा, बात मेरी याद रख, बांटने से बढ़ेगा, हादसे से डरेगा तो आगे कैसे। मैसेजेस ब्रो, लाइफ के मैसेजेस दे रहा बंदा कि तू इकट्ठा करी जा रहा है लेकिन वो तेरे बढ़ नहीं रहा, तू जितना बांटेगा तो बढ़ेगा तेरे पास। याद रख, बांटने से बढ़ेगा, हादसे से डरेगा तो आगे कैसे चलेगा, रोजाना हादसे से डरेगा तो मैं ये बहुत बड़ा मैसेज है ब्रो, ये बहुत बड़ा मैसेज है एक, कि अगर हादसे से डरेगा तो हम कोई भी काम करते हैं ना, कहते यार ये ना चला काम तो क्या होगा। लाइक अब मैं अपनी बात करूं कि मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, अब मैं ये सोचूं कि यार ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो 0 व्यूज पे है, 500 वीडियो 0 व्यूज, यार जब तक तू गिरेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि तू है। समझ जाए ना, आप समझ गए होंगे आप लोग कि मैं मतलब कैसी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये चैनल एज अ वो स्टार्ट नहीं किया कि मैं एज अ व्यूज चाहिए, व्यूज हर किसी को चाहिए होते हैं, ये सही बात वो कहते हैं, वो मैं व्यूज के लिए नहीं करता ब्रो, हर कोई व्यूज के लिए करता है। मैं तो इसलिए किया बिकॉज, अब मैं आपको क्या बताऊँ, बिकॉज इट्स अ लॉकडाउन, तो आई लव हिप हॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक, मुझे बहुत सा नॉलेज मिलता है इतने रेफरेंस रेफरेंस सुन के, उनको सर्च करके,
मतलब मुझे नॉलेज मिलता है, और इतना नॉलेज मुझे मतलब इन बुक्स वगैरह से नहीं मिलता जितने मुझे फैक्ट्स, लाइफ मैसेजेस इस हिप हॉप से, खुद करने से, खुद सोचने से मिलता है ब्रो। तो तू मरेगा या रोजाना तू लड़ेगा, फैसला इससे बढ़ेगा। गाने को छोड़ दिया, अपनी बातों में लग गए। हाथ से डरेगा तो आगे कैसे चलेगा, रोजाना तू मरेगा या रोजाना तू लड़ेगा, फैसला ये तुझ पे, क्या भरोसा तुझको खुद पे। रोजाना मरेगा या रोजाना तू लड़ेगा, इस मतलब कि अभी बस शुरू हुआ है और अभी एक मिनट तक है, तो मुझे लगता है कि इसमें सारे मैसेजेस हैं ब्रो। अब तक चार, चौथा या पांचवा मैसेज दे रहा है बंदा कि या लड़ेगा या तू मरेगा, लड़ेगा तो आगे चलेगा, उधर अगर तू मरता रहा तो वो तुझे और गिराएंगे। जीने की उम्मीद के चिराग लगे बुझने, इनके हाथों से कलम अपने आप लगे छुटने। मतलब मैं राइमिंग स्कीम और उसके जिस तरह डिलीवरी बंदे की आप देखें क्या है। तू मरेगा या रोजाना तू लड़ेगा, फैसला ये तुझ पे, क्या भरोसा तुझको खुद पे, कब तक जिएगा ये छुपके कब तक खत दे जो मुझ पे, हंसता रस्ते मिलना मुझसे सारे बैठे डे के घुटने, जैसे सदियों से सोया हुआ हैवान लगा उठले, जीने की उम्मीद के चिराग लगे बुझने, इनके हाथों से कलम अब अपने आप लगे छुटने। बदलता नहीं सच साले खुद को बाप, कहने से नहीं होनी चुप जबान, चाहे काट देने से नहीं आता सबको नजर, जाता रहता मैं अंधेरे में, सब जानते मैं कौन, बस ये डरते नाम लेने से। पूछ साले कौन मैं तेरी मौत हूँ, मैं तेरे दिल में छुपा हुआ जो वो खौफ हूँ। पूछ साले कौन मैं तेरा शौक हूँ, मैं सही मायनों में असल हिप हॉप हूँ। पूछ साले कौन मैं तेरी मौत हूँ, मैं तेरे दिल में छुपा हुआ जो वो खौफ हूँ। पूछ साले कौन मैं तेरा शौक हूँ, मैं सही मायनों में असल हिप हॉप हूँ। एंड मतलब सबसे पहले मैं हमेशा बात करता हूँ प्रोडक्शन की, अगेन इसमें तो प्रोडक्शन की बात करनी नहीं चाहिए ना, जिस जगह पे जोखे हो उस जगह प्रोडक्शन की बात नहीं करनी चाहिए ब्रो। उसको जोखे को ऑलमोस्ट भी 10 ईयर्स हो गए हैं, उसका पहले बैंड था, ऑलमोस्ट नहीं उसको 10 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। वो मतलब उसका पैशन है ये म्यूज़िक करना, उसका पहले बैंड था शायद, और ये नबील अकबर उसके साथ शुरू से है, और मतलब शुरू की पिक दिखाई थी मतलब नौजवानी की अपनी, दोनों ऐसे बैठे हुए लैपटॉप पे वर्क कर रहे थे। हसल है बंदों की यार, हसल है, लेकिन लोग ये बात करते हैं कि गरीब है, क्या अमीर हसल नहीं करता। वो उमर ने बात बोली थी, उमर एके एजाज ने, कि कभी मैं स्ट्रीट से नहीं कभी देखी नहीं गरीबी, सीन सब सही तो बोले ये नसीबी, मतलब क्या हम मेहनत नहीं करते ब्रो। ये आपका फैक्ट है कि आप मेहनत करोगे तो आप ऊपर जाओगे, आप की लिखाई में वजन होना चाहिए, लिखाई में। बाकी नबील अकबर मलिक, नो मोर अंडररेटेड सर, मैं क्या बोलूं यार, आपको मेरी एक्शन से पता चल गया बंदे ने क्या क्या मैसेजेस, क्या वर्सेस, क्या लिरिक्स, क्या डिलीवरी, क्या फ्लो, फुल बीट पे उतरा है बंदा यार, फुल बीट पे उतरा है। तो बस यही था रिएक्शन, उम्मीद करता हूँ तुमको पसंद आया होगा। तो आप इस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको डेली अपलोड्स मिल सकें। डेली अपलोड्स करता हूँ मैं फ़िलहाल, लाइक जब तक कॉलेजेस वगैरह नहीं ओपन होते फिलहाल डेली अपलोड्स करता रहूँगा मैं यार, टाइम पास भी तो करते हैं। अब लोग इस पे ऑफेंड हो जाएंगे यार, ये टाइम पास करता है यार, हर बंदी कहती है मैंने चैनल बनाया जब तक मैं ये इस पे मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपने काम से खुश हूँ, मेरे लिए ये बहुत है। तो जब तक मैं मुझे इससे वो मिलती है, खुशी मिलती है कि मैं अपना टाइम पास करूँ, मुझे नॉलेज मिल रहा है, मुझे लाइफ फैक्ट्स मिल रहे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। मुझे लोग नहीं चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए, मुझे असली लोग चाहिए, मुझे हेटर्स नहीं चाहिए। हेटर्स की तो मैं क्या बोलूँ, हेटर्स तो रखता ही मैं उस पर, छोड़ें बात कहीं और चली जाएगी। तो बस यही था रिएक्शन, मिलते हैं आपसे अगली रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।